नमस्ते फ्रेंड्स, मैं विश्वास पेटेवाले। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंप्लीट ए टू जेड सोफ़ा किस तरह से बनाया जाता है। ये थ्री सीटर का मैंने सोफ़ा बनाया है, जबकि इसमें चार आदमी कंफर्टेबल बैठ पाएंगे और एकदम कम दाम में खुद ही अपने घर में बनाया है। एकदम ईजी है, आदमी 100 रुपये सो भी सकता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, ज़रूर इस वीडियो से आपको बहुत नॉलेज मिलेगी और ये आपके काम में आएगी। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इतना परफेक्ट बनाया कि ये कुछ भी टूटेगा नहीं। ये जो प्लाई यूज़ किया है मैंने, ये 18 इंच वाला प्लाई है। उसके बाद में ये देखिए, इसमें एक कॉर्नर सपोर्ट दिया है ऊपर में, नीचे में एक कॉर्नर सपोर्ट दिया है, वहाँ पे भी एक कॉर्नर सपोर्ट दिया है और यहाँ पे भी, मतलब एक साइड में चार कॉर्नर सपोर्ट दिया है। दूसरे साइड में देखते तो वहाँ एक कॉर्नर सपोर्ट है, यहाँ एक कॉर्नर सपोर्ट है, यहाँ और यहाँ, ये नीचे में, मतलब चार कॉर्नर सपोर्ट दिया है। उसके बाद में ये यदि नीचे दबना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने ये ऊपर एक फ्रेम बनाई है, उसके नीचे एक फ्रेम बनाई है। देखिए इसमें भी आप देख सकते, ये फ्रेम के नीचे में एक फ्रेम बनाई है, ये पीछे दबना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट दिया, यहाँ पे भी एक सपोर्ट दे दिया। तो इतना सारा सपोर्ट दे दिया, नीचे में एक स्ट्रक्चर जैसे बनाया मैंने, सीढ़ी जैसा, और ये देख सकते आप बीच में, ये इतनी जगह ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते। तो एकदम हैवी ड्यूटी है, ज़बरदस्त है और कम दाम में बनाया। फ्रेंड्स, ये सोफ़े की फ्रेम कैसी बनाई है, इस वीडियो की लिंक मैं आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फ्रेंड्स, ये इस तरह का नेवा रहता है, ये इलास्टिक वाला रहता है, ये अच्छा रहता है। तीन तरह के फोम लगते हैं इसमें, तीन या चार तरह के फोम लगते हैं, पर मैं तीन तरह के फोम यूज़ किया है। ये जो बड़ा वाला फोम है, ये 40 डेंसिटी का 4 इंच वाला है, ये जहाँ सीटिंग वाले एरिया में ये लगता है। उसके बाद में ये दूसरा है, ये 2 इंच वाला है, 32 डेंसिटी, ये पीला वाला है, 1 इंच वाला 32 डेंसिटी, और ये जो है 1 इंच वाला सॉफ्टी है। ये इस तरह के मैंने अलग अलग फोम लाए हैं, स्लीपवेल कंपनी के ब्रांडेड वाले। ये फ्रेम के ऊपर मैंने ये स्ट्रक्चर वाला एक मैकेनिज्म बनाया था, पर इसमें हाइट ज़्यादा होने के कारण मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ और इसकी जगह पे मैं 12 mm का प्लाईवुड लगा रहा हूँ। 12 mm का प्लाईवुड अच्छा रहेगा और उसकी लाइफ भी अच्छी रहेगी, तो इसको निकाल के रख रहा हूँ और 12 mm का प्लाईवुड रख रहा हूँ। फ्रेंड्स, ऐसे होलसेल में प्लाईवुड की दुकान पर प्लाईवुड मिल जाते हैं, और प्लाईवुड जब बुक करते हैं, लकड़ी बुक करते हैं, तो वो ऑटो वाला या दुकानदार अपने घर तक पहुंचा देता है, कुछ टेंशन नहीं है। ये प्लाईवुड मैंने ला लिया 12 इंच का, तो ये मुझे 24 इंच का कट करना है, तो मैं दोनों साइड से ये एक लकड़ी के बत्ती से मार्किंग कर रहा हूँ, मार्किंग करके इसको मैं कट कर दूंगा बीच से। ये है बेस के लिए है, जहाँ बैठेंगे वहाँ ये 12 mm का प्लाईवुड ये अच्छा रहेगा, तो इसको मैं कट कर रहा हूँ। कट करके इंचेस के द्वारा मैं वहाँ पर इसको टाइट करूँगा। देखिए ये कट हो गया, ये एक ही मशीन ज़्यादा यूज होती है, बस एक ही मशीन से पूरा काम हो जाता है। तो मैंने ये कट कर दिया। कट करने के बाद अभी ये जो मैंने नेवार बोला था, ये 3 इंच वाला नेवार है, इसमें स्प्रिंग रहती है, और ये जो पीछे में बैक वाला एरिया है वहाँ लगाने से ये सस्पेंशन अच्छा रहता है, लाइफ भी अच्छी रहती है और ये ख़राब नहीं होता, कम्फर्ट रहता है। ये इस तरह से ये मैं वर्टिकल खड़े साइड में लगा रहा हूँ, एकदम सिंपल है। ये कांगारू कंपनी का स्टेपलर है, ये स्टेपलर में ज़्यादा काम निकल जाता है, मैक्सिमम आप देखोगे तो ये स्टेपलर का ही ज़्यादा काम है, ये बहुत सस्ता मिलता है। तो आप ये स्टेपलर और एक कटर मशीन लेने से ये आप ये फटाफट कर पाएंगे। तो इस तरह से ये कंटिन्यू पहले मार्किंग लेना है, अब मार्किंग लेने के बाद इक्वल डिस्टेंस पे इसको लगाना है। देखिए एकदम सिंपल है, और जो मैं कैंची यूज़ कर रहा हूँ, ये फ्लावर डेकोरेशन वाली जो यूज़ करते हैं उस तरह से। देखिए टेक्निक समझ लीजिए किस तरह से करना है, पहले स्टेपलर लगाना है, उसके बाद में उसको फोल्डिंग करना है, फिर स्टेपलर लगाना है, तो ये डबल लॉक हो जाएगा। इससे कितना भी उसके ऊपर टेंशन देंगे तो ये एंड वाले पोर्शन से निकलेगा नहीं। इसको इस तरह से लेना है और दूसरे एंड पे से खींच के उसमें स्टेपल करना है। देख लीजिए, आप देख पाएंगे वीडियो में कि किस तरह से इसको खींचा मैंने। खींचने के बाद यहाँ से मैं स्टेपल करूँगा। ये देखिए स्टेपल, टाइट खींचना है इसको। टाइट खींचने के बाद इसमें स्टेपलिंग करना है, और स्टेपलिंग करने के बाद इसको फिर फोल्डिंग करना है, और फिर एक बार स्टेपलर करना है, और उसके बाद में हथौड़ी से इसको ठोक देना है, तो ये उभरा हुआ पोर्शन भी नहीं आएगा और ये मजबूत हो जाएगा, निकलेगा नहीं कभी। ये हो गया डबल लॉक वाला। देखिए इस तरह से मैंने खड़े और आड़े ये पूरे नेवार मैंने लगा दिए, ये बेल्ट लगा दिए, ये बेल्ट पीछे वाला आधा काम हो गया।
ये मैंने जो बोला ये 40 डेंसिटी वाला 4 इंच वाला फोम है, तो इसको मैं सेंटर से मार्किंग करके इसको मैं बीच से कट कर लूँगा। आधा वाला पोर्शन जो बचा रहेगा वो दूसरे सोफे में काम आएगा, क्योंकि मैं दो सोफे पर रहने वाला हूँ, क्योंकि यल शेप वाला मेरा कंसेप्ट है, तो यल शेप वाला सोफ़ा घर में ही बनाना है एकदम कम दाम में, बजट में। तो ये हैक्सॉ ब्लेड की मदद से इसको कट करना है, एकदम सिंपल काम है फ्रेंड्स। आप इस वीडियो का पूरा देखोगे ना तो आप समझ जाओगे। ये देखिए, और दूसरा ये जो फोम है वो 2 इंच वाला है और 32 डेंसिटी है, तो इसको भी वैसे ही मैं बीच से कट कर लेता हूँ, एक लकड़ी की बत्ती से हैक्सॉ ब्लेड से कट करना है फ्रेंड्स। ये वीडियो का मकसद ये है कि आप सोफा कैसे बनता है या जो स्पेस की यूटिलाइजेशन है वो कैसे करते हैं आप इस वीडियो में देखेंगे, और आप घर में बनाते समय इससे भी अच्छा बना पाएंगे। ये देखिए इस तरह से हो गया। अभी ये मैंने जो प्लाईवुड कट किया था, या 2 इंचेस देख रहे हैं, ब्रास के हिंचेस है जिसको कब्जा बोलते हैं, वो कब्जे से मैंने लगा दिए। जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी या बच्चे उस पर पानी गिराते हैं, कॉफ़ी गिराते हैं, तो इसको मैं खोल के ऊपर सुखाने के लिए लेके जाऊँगा, और इसको खोल के मैं जब शिफ्ट करूँगा तो ये हल्का हो जाएगा। तो ये 4 इंच वाला फोम मैंने नीचे रख दिया, ऊपर वाला जो बैक वाला है वो 2 इंच वाला है, 32 डेंसिटी, नीचे वाला 40 डेंसिटी, ये वाला 32 डेंसिटी। और देखिए मैं इसका बैठ के आपको दिखा देता हूँ, इसमें हाइट वगैरह सफिशिएंट बराबर दी है मैंने, ये देख लीजिए इस तरह से है, तो ये कंफर्टेबल लग रहा। अभी नीचे में जो रहेगा जहाँ पैर हैं वहाँ पे प्लाईवुड लगेगा, तो प्लाईवुड 6 mm का लगेगा, और उसके ऊपर ये 1 इंच वाला येलो वाला 32 डेंसिटी, 1 इंच 32 डेंसिटी वाला फोम लगेगा। तो प्लाईवुड 6 mm वाला ये प्लाईवुड में कट करके उसके ऊपर लगा देता हूँ। जब प्लाईवुड लगा दूंगा, प्लाईवुड लगाने के समय उसमें फेविकॉल लगाना है, उसके बाद में प्लाईवुड को ठोकना है, तो उसे मजबूत हो जाती है। मैंने फेविकॉल लगा दिया, उसके बाद में ये प्लाईवुड लगा रहा है, उसमें खिले से ठोकना है, बारीक वाले खिले से ये प्लाईवुड लग जाएगा। तो ये साइडिंग से मैंने प्लाईवुड लगा दिया, साइडिंग के बाद जो नीचे वाला पोर्शन है वह नीचे वाले में भी ये देखो फेविकॉल का मरीन ब्रांड है, ये अच्छा रहता है, वाटरप्रूफ होता है। इसको मैं पहले प्लाईवुड के ऊपर लगाऊंगा, फिर लकड़ी के ऊपर लगाऊंगा और उसको खिले से ठोक दूंगा, तो ये एकदम मजबूत हो जाएगा और बोल सकते हैं वाटरप्रूफ भी हो जाएगा, क्योंकि ये फेविकॉल का मरीन एकदम अच्छा रहता है, इसकी क्वालिटी अच्छी रहती है। तो ये इस तरह से देखिए लकड़ी में लगा दिया, लकड़ी में लगाने के बत्ते में लगा दिया, उसके बाद में इसको ठोक दिया। फ्रेंड्स आप देख पाएंगे ये इसका जो मैंने जो प्लाईवुड लगाया 12 mm वाला, उसकी ओपनिंग है 18 इंच, 18 इंच में मैं कुछ भी सामान रख पाऊँगा। साइड में 18 mm वाला लगाया मैंने, उसके बाद में ऊपर में 12 mm है, नीचे में 6 mm है, तो ये मेरे हिसाब से सफिशिएंट है, क्योंकि मैंने बहुत सारे सपोर्ट दिए। आप देख पाएंगे मैंने जो बॉक्स बनाया है, ये बॉक्स में 5 साइड से मतलब नीचे में और चारों साइड में मैंने लगा दिए। इस तरह से ये मेरी पेटी बन के रेडी हो गई है, तो इसमें सामान रख पाएंगे और स्पेस का यूटिलाइजेशन पूरी तरह से कर पाएंगे। तो ये एकदम यूनिक कंसेप्ट है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। ये जो है ये पिलो पीला वाला, ये 1 इंची और 32 डेंसिटी वाला है, वो नीचे लगेगा, तो नीचे मैं जैसे मार्किंग कर लेता हूँ जितना रिक्वायरमेंट है, और उसके हिसाब से मैं हैक्सॉ ब्लेड से कट कर लेता हूँ। उसको भी चिपकाना है। अभी फोम लगाने की बारी है, तो जो नेवार है उसके ऊपर मैंने कॉटन का कपड़ा लगा दिया, इसलिए क्योंकि जब फ्रिक्शन करेंगे हम, टेंशन देंगे और रिलीज़ करेंगे, तो ये फोम ख़राब नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने कॉटन का एक कपड़ा है, कॉटन का कपड़ा मैंने स्टेपलर से ऊपर से और नीचे से स्टेपलर कर दिया। उसके बाद बीच में मैंने फोम रख दिया 2 इंच वाला, और फिर एक कपड़ा लगा दिया। ये थोड़ा कपड़ा पहले कपड़े से हेवी है, और इसके ऊपर मैं स्टेपलर करूँगा, इससे जो 2 इंच वाला जो फोम है वो फ्री रहेगा और उसकी लाइफ अच्छी रहेगी। तो इस तरह से मैंने दो कपड़े के बीच में मैंने फोम को लगाया है, देखिए, और उसको मैं स्टेपलर से पैक करूँगा। यदि फोम कभी निकालना पड़ा, यदि मैं इसको चिपकाता हूँ तो निकल नहीं पाएगा, इसलिए इस तरह से मैंने किया है। देखिए एक कॉर्नर से, लेफ्ट राइट वाले कॉर्नर से मैं थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे स्टेपलर करूँगा, इस तरह से स्टेपलर करना है। स्टेपलर करने पे जब ये थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे स्टेपलर हो जाएंगे और बराबर हो जाएगा पूरा, तो कंटिन्यू स्टेपलर करना है। अब देखेंगे कि इसमें मैंने पूरे कंटिन्यू स्टेपलर कर दिए और ये बराबर कर्व हो गया। देखिए इस तरह से ये पूरा कंटिन्यू स्टेपलर कर दिया, मैक्सिमम स्टेपलर का ही काम है फ्रेंड्स। आप देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये स्टेपलर से होता है। ये देखिए मैं वीडियो की स्पीड कम ज़्यादा कर रहा हूँ, जो कि आपको समझना चाहिए और जल्दी आप पूरा वीडियो देख पाएंगे। ये वाला फोम है ये नीचे, इसको पहले चिपका देता हूँ मैं। तो नीचे मैंने कट कर दिया जितने रिक्वायरमेंट थी, कट करने के बाद ये 1 इंच वाला फोम है, और ये देखिए कपड़ा, ये जूट वाला कपड़ा है जिसमें मैंने इस तरह से कपड़ा सिलेक्ट किया है कि इसमें दो कलर है,
मतलब एक ही कपड़े में दो दो कलर का टोन है तो ये हो जाएगा। फोम को चिपकाने के लिए फेविकॉल SR505 ये यूज़ कर रहा हूँ, ये बेस्ट रहता है। इससे फोम लकड़ी के ऊपर, प्लाईवुड के ऊपर अच्छी तरह से चिपकता है। इस तरह से जितना रिक्वायरमेंट है इतना कट कर लो, एक डब्बे में वो फेविकॉल को ले लो SR505 और उसको अप्लाई करके फिर फोम चिपकाओ तो ये बराबर चिपक जाता है और निकलता भी नहीं। ये SR505 स्पेशली फोम चिपकाने के लिए बढ़िया है। ये फोम चिपकाने के बाद ये अभी देखिए आप, पीछे में मैंने जूट वाला जो सोफे का कपड़ा है वो मैं लगा रहा हूँ। तो इसमें मैंने कैसा किया, नीचे में पहले कपड़ा लगा दिया, देखिए नीचे में कपड़ा लगा के मैंने थोड़ा थोड़ा स्टेपलर कर दिया, उसके बाद में ऊपर से मैं कपड़ा कट कर लूँगा। देखिए कपड़ा कट कर दिया मैंने कई चीज़ें, उसके बाद में जैसे खींच खींच के मैं इसको स्टेपलर लगा रहा हूँ। ये देखिए खींच के मैं पूरा स्टेपलर लगा रहा हूँ, ज़्यादा तामझाम वाला काम नहीं फ्रेंड। अब बार कैसे देखोगे तो ये एकदम सिंपल है, देखिए पूरा स्टेपलर से काम है। देखिए जितना भी काम हो रहा है वो सब स्टेपलर से हो रहा है, देखिए पूरा हो गया ये। मतलब जो जहाँ पे अपन पीछे वाला देखेंगे तो पीछे वाले का काम हो गया। ये मैंने नीचे वाला एक प्लाईवुड लगाया और नीचे वाला भी मैंने उसी तरह से इसको लगा दिया। आप देखेंगे तो ये अभी जहाँ बैठते हैं उसको लगाना है, तो उसको लगाने के लिए आप मैंने नीचे वाले में ब्लैक वाला कपड़ा ऊपर रखा है जहाँ बैठते हैं, क्योंकि वहाँ से गंदगी नहीं हो, तो ब्लैक कलर मैंने वहाँ सिलेक्ट किया है। और पहले प्लाईवुड के ऊपर मैंने स्टेपलर लगाया लाइन से, आप देखेंगे ये सब स्टेपलर लगा दिए। स्टेपलर लगाने के बाद यहाँ मैं वही SR505 गम को अप्लाई करूँगा। यहाँ प्लाईवुड को भी लगाना है और फोम को भी लगाना है, दोनों को लगाना है, इससे ये इधर उधर सरकेगा नहीं और मजबूत रहेगा। तो ये इस तरह से आप देखेंगे कि मैंने ये पूरी तरह से इसको लगा दिया। लगाने के बाद इसको मैं उसके ऊपर चिपका दिया, चिपकाने के बाद इसको खींच के मैं अंदर के वाले साइड से इसको स्टेपल कर रहा हूँ। देखिए इस तरह से मैंने अंदर वाले साइड से, मतलब ये मेरा जो नीचे बैठने वाला पोर्शन है ये अभी कंप्लीट होने के कगार पे है, तो ये स्टेपलर से इसको लगाना है। ये फोल्डिंग करके लगाने से अच्छा हो जाता है, मजबूत हो जाता है फ्रेंड्स। ये स्टेपलर बहुत सस्ता है, कांगारू कंपनी का लिया है। और आप देखेंगे, देखिए अभी नीचे का हो गया, अभी ये साइड वाला पोर्शन बाकी है। देखिए साइड में जो कटिंग वाला दिख रहा, तो इसको भी अपन हम ही घर में ही करना है, इसको कोई टेलर के पास लेके जाने की ज़रूरत नहीं है और कुछ भी, ये एकदम सिंपल है। तो आप देख पाएंगे इसको भी मैं कैसा करता हूँ। देखिए जितना रिक्वायरमेंट है, थोड़ा सा मैंने कपड़ा कट कर दिया, कपड़ा कट करने के बाद एक साइड में मैंने उसको स्टेपल कर दिया और दूसरा जो साइड है मैं उसको स्टिच करूँगा। तो स्टिच करने के लिए ये जो कपड़े का एक रेशा, एक धागा निकालूँगा और उसी धागे से इसको सिल लूँगा मैं, इससे धागा मैचिंग हो जाएगा और दिखने में अच्छा दिखेगा। इस तरह से इसको घर में ही स्टिच करना है। अभी जो बैठने वाला एरिया है वो ब्लैक कलर का है, तो मैंने ब्लैक कलर का सादा टेलरिंग वाला धागा लिया है, मैं उसको इससे स्टिच करूँगा। बड़ी सावधानपूर्वक करना है क्योंकि ये फ्रंट वाला पोर्शन है, आगे दिखेगा, तो इसलिए इसको बारीकी से सिलना है, ऐसा ना लगे कि ये हमने घर में ही सिलाया है। तो इसको बारीकी से सिलने पर ये पता नहीं चलता और दिखने में प्यारा दिखता है। तो इस तरह से जो फोल्डिंग आती है टर्निंग वाला एरिया, उसको हम इस तरह से सिलेंगे तो ये अच्छा हो जाएगा, इसको टेलर के पास लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इस तरह से मैं इसको दिखा रहा हूँ, तो ये टेलरिंग का काम हो गया है। उसके बाद में ये जो नीचे वाला है, ये नीचे वाला पोर्शन है, तो यहाँ कपड़ा नीचे में मुझे लगाना है, यहाँ उसके पैर रहेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ स्टेपल मारूँगा। इस तरह से स्टेपल मारना है और डबल फोल्ड करना है ताकि ये कभी कपड़ा खींचने पर भी ना निकले, ये स्टेपलर से पटापट हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स आखिरी काम है ये उसको पैर लगाना। तो पैर लगाने के लिए मैंने ये घर में ही यूज़ कर रहा, घर घर मतलब रेडीमेड पैर नहीं लिया, ये 1.5 इंच बाय 1.5 इंच के बत्ते हैं, इसी को मैं यूज़ करूँगा। तो ये मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए, तो टोटल मैं 8 पैर लगाऊँगा उसमें। तो और इसको दो दो ड्रिल मारूँगा और ड्रिल मार के उसमें काउंटर चंक करूँगा ताकि खिला बाहर ना आ पाए। अब देख पाएंगे ये जितने कट किए उसमें 2 छेद मारे हैं, ये खिला ठोक दिया, खिला ठोकने के बाद वो बाहर उभरा हुआ नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैंने बड़ा ड्रिल मारा है, तो उससे वो खिला अंदर चले जाएगा ताकि कभी कारपेट रखेंगे, टाइल्स रखेंगे तो खींचने में वो फटेगा नहीं। देखिए इस तरह से उसको ठोकना है
तो ये मजबूत हो जाएगा और नीचे टाइल्स खींचने पर टाइल्स को ख़राब नहीं करेगा। इस तरह से देखो, इस तरह से मैंने ठोका। अभी ठोकने के बाद जो पंच है, पंच से उसके हेड को ठोकना है। थोड़ा सा बड़ा मैंने ऊपर वाला छेद बड़ा लिया है ताकि वो अच्छा रहे। तो इस तरह से मैंने कर दिया, आप देखेंगे तो ये देखो इतना उसका डीप है। आप कैमरे में मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस तरह से उसका अभी वहाँ उसका मत्था है। तो ये इस तरह से ये मजबूत है। और अब मैंने इसमें कितना कर दिया, 8 टोटल उसके जो सोफे के नीचे वाले पैर है, पैर मैंने 8 कर दिया क्योंकि ये घर में ही बनाया है। आप देख पाएंगे इतने सारे पैर देने से ये इसके नीचे से कभी ख़राब नहीं होगा और मजबूत रहेगा। ये एक साइड में प्लाईवुड लगाना बाकी है, इसलिए आप देख पाएंगे ये इस तरह से बन गया। नीचे में पूरा एक बॉक्स बन गया। यहाँ मैंने 1.5 फीट का प्लाईवुड लगा दिया, ऊपर में जो ओपन स्पेस बाकी है वहाँ मैं कपड़ा लगा दूंगा। चलो चाय पी लेते हैं, चाय पीने की मज़ा ही कुछ अलग है। फ्रेंड्स अभी थोड़ा सा वीडियो बाकी है तो इसको पूरा देख लीजिए। फ्रेंड्स जैसे कि मैंने बोला है वो लिफ्ट हो जाता है तो उसको मैकेनिज्म चाहिए जो उसको रेस्ट कर पाए। तो ऐसा बत्ता लिया मैंने, उसमें ड्रिल किया है और एक नट बोल्ट उसमें घुसा के ये जो बत्ता है उसमें भी मैं ड्रिल करूँगा, इसको उससे लिंक करूँगा। देखिए एकदम सिंपल है, उसको छेद कर दिया, छेद करने के बाद इसको ठोक दिया और उसके साथ में लिंक करूँगा। तो इसमें यदि वो गिर जाता है, मतलब ये देखिए इस तरह से मैंने उसको लिंक कर दिया, नट बोल्ट से मैं इसको टाइट कर दूँगा। देखिए इस तरह से टाइट कर दिया। और सामान रखते समय यदि ये लीवर बोलेंगे इसको, लीवर यदि गिर गया तो हाथ दब सकता है, तो हाथ नहीं दबना चाहिए। इसलिए हमने क्या किया, देखिए ऐसा तिरछा कट कर दिया। तिरछा कट करने से ये रेस्ट रहेगा, फिसलेगा नहीं। और जब इसको फोल्ड करना है तो अंदर की ओर उसको फोल्ड करना पड़ेगा। अंदर की ओर हम जब फोल्ड करेंगे उठा के तभी ये जाएगा, ऑटोमेटिक नहीं जाएगा क्योंकि उसको उठा के उसके अंदर डालना है। तो ये वो नॉर्मल कंडीशन। और अभी यदि इनकेस वो लीवर अंदर की साइड चले गया और ये बाहर के साइड में आता है तो हाथ दब सकता है, तो हाथ भी दबना चाहिए। इसलिए मैंने लेंथ को किस तरह से मेंटेन किया है, इस तरह से मेंटेन किया है ताकि आपका हाथ नहीं दबेगा, किसी को इंजरी नहीं होगी। इस तरह से मैंने उसको एडजस्ट किया है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स आप देखेंगे मैं ये डायमेंशन आपको दिखा रहा हूँ जिसे कि आप बना पाएंगे और इससे कुछ कंसेप्ट आप ले पाएंगे। दोस्तों मैंने ये दो सोफे बनाए हैं, एक 2 सीटर वाला और एक 4 सीटर वाला। तो मैंने 4 सीटर वाले का वीडियो, दोनों वीडियो फ्रेम और उसका फोम का दिखा दिया। यदि आप रिक्वेस्ट करेंगे तो ये 2 सीटर वाले का भी मैं वीडियो बनाकर आपको यूट्यूब पर डाल दूँगा। दोस्तों सोफ़ा बनाना बहुत आसान है पर उसका वीडियो बनाना बहुत कठिन है। पर आपको दिखाने के लिए कम दाम में, बजट में, घर में ही कैसे बना सकते हैं, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाला है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स आप ये देख रहे हैं ये भी सोफ़ा मैंने बनाया है, आप रिक्वेस्ट करेंगे तो इसका भी मैं वीडियो डाल दूँगा। थैंक यू।